नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मई बुधवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन भी पुलिस की नरमी के बाद सख्ती के चलते प्रदेश में सन्नाटा छाया रहा। बात श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिलों की करें तो यहां भी सुबह 11 बजे तक तो आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लोगों की सड़कों पर आवाजाही काफी रही, लेकिन छूट समय के बाद पुलिस द्वारा समझाइश के साथ साथ सख्ती का रुख ही अख्तियार किया गया, जिसके चलते सड़कों पर वीरानी सा माहौल था। इस दौरान प्रदेश में अनावश्यक घूमने वालों को पुलिस ने सबक सिखाते हुए सैकड़ों जनों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा, वहीं हजारों चालान भी किए। पुलिस ने इस बात की समझाइश भी की कि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें और जब भी बाहर निकलें तो गाइडलाइन की पालना करते हुए निकलें। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण शिक्षा क्षेत्र भी सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। ऐसे में अभी इसकी भरपाई के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला की तरह से डीडी पंजाबी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की सहमति दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब ऑनलाइन कक्षाएं 5 मई से डीडी पंजाबी पर शुरू की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों के लिए टीवी कक्षाएं सुबह 9 बजे से सुबह 10:40 तक और कक्षा 6 से कक्षा 12वीं के लिए सुबह 10:40 से शाम 4 बजे तक होंगी। इन डीडी पंजाबी कक्षाओं का दैनिक कार्यक्रम एक दिन पहले छात्रों को स्कूल के प्रिंसिपल और संबंधित शिक्षकों के माध्यम से भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई है। जिस जोधपुर में रोज 2000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं, वहां के लोग गंभीर नहीं हो रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर एक शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी ने प्रशासन के भी होश उड़ा दिए। फिर क्या था, सूचना मिलते ही पुलिस ने डांगियावास थाना क्षेत्र के कांकेलाव गांव में छापेमारी की। यहां भारी भीड़ थी, अधिकतर ने मास्क भी नहीं लगाया था। बिना देर किए आयोजक पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। दावा किया जा रहा है कि 1,00,000 रुपए जुर्माना लगाने का जोधपुर में यह पहला मामला है। आबकारी विभाग में तबादले किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एईओ लोकेश जोशी को उदयपुर से भीलवाड़ा डीईओ, निरीक्षक महेंद्र गुप्ता को महुआ से बांदीकुई, निरीक्षक कीर्ति सिंह मीना को जयपुर साउथ ईस्ट में लगाया गया है, वहीं नीरज शर्मा को कोटा से धौलपुर लगाया गया है। राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। मंगलवार को हापा से दिल्ली कैंट और मुंद्रा पोर्ट से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें चलाएगी। ये ट्रेनें उत्तर पश्चिम रेलवे के पालनपुर, अजमेर, फुलेरा, रिंगस से होकर गई। हापा से दिल्ली कैंट ट्रेन में ऑक्सीजन के 5 टैंकर थे, जिनकी कुल क्षमता 103.64 टन है। वहीं मुंद्रा पोर्ट से दिल्ली के लिए संचालित ट्रेन में 7 टैंकर हैं, जिनकी कुल क्षमता 140 टन है। उत्तर पश्चिम रेलवे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन ट्रेनों को तेजी से संचालित कर रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ नाबालिग युवक द्वारा ही दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने डांग बसई थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का आज मेडिकल करवाया जाएगा, वहीं आरोपी को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम लोगों से लॉकडाउन की तरह बिहेव करने को कहा है, साथ ही बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील की है। गहलोत ने लिखा कि हम संक्रमितों की चेन तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आमजन के कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने से ही ये संभव होगा। इसमें अविलंब संख्या में ब्रेक लगेगा, अन्यथा स्थिति और भयावह बन सकती है। सिरोही जिले के आबूरोड़ शहर थाना पुलिस ने एसपी हिम्मत अभिलाष टाक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को ताश के पत्तों पर दाम लगाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के 1,10,000 रुपए की राशि भी बरामद की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।